गुड मॉर्निंग एवरी वन सो टूडे अगेन वी विल डू चैप्टर नंबर एट दैट इज अर स्क्रैच ठीक है आज भी हम लोग स्क्रैच करेंगे इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मोशन ब्लॉक ये जो मोशन ब्लॉक है इसके बारे में हमने डिस्कस किया था किस तरह से हम लोग स्प्राइट को टर्न करते हैं मूव करते हैं ये सारे स्टेप्स मैंने आपको बताए थे ठीक है आज हम लोग जो करेंगे ना हम लोग एक छोटा सा एक ड्राॅइंग सा कुछ बनाएंगे स्प्राइट के थ्रू एक सर्किल बनाएंगे बेसिकली ड्राइंग भी नहीं एक सर्किल बनाएंगे हम लोग इसको स्प्राइट को टर्न कराएंगे और उस तरह से हम इसका सर्किल बनाते जाएंगे एक कलरफुल सा सर्किल बनाएंगे ठीक है सो वॉच दिस स्टेप्स वेरी केयरफुली सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी वर्क जब हम करेंगे उसके लिए सबसे पहले हम इवेंट्स इवेंट्स ब्लॉक के अंदर ये इवेंट ब्लॉक के अंदर जो वेन क्लिक्ड होगा उसको लेके आएंगे ठीक है इवेंट ब्लॉक पे क्लिक किया और वेन क्लिक्ड को ड्रैग करके अपने स्क्रिप्ट एरिया पे लेके आए फर्स्ट स्टेप हमारा यही है ठीक है अब इसके बाद हम चाह रहे हैं कि जब ये हमारा स्प्राइट टर्न करे मूव करे और टर्न करे तो ये एक सर्किल बनाए ठीक है अब यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि सबसे पहले ये मूव करे और टर्न करे तो मूव और टर्न के लिए मैंने आपको बताया था कि मोशन ब्लॉक के अंदर सबसे पहले हम लेंगे मूव और फिर हम चाह रहे हैं इसको टर्न कराना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ठीक है अब एक एक स्टेप से मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से ये वर्क करेगा तो हमने ये किया देखो ग्रीन फ्लैग पे क्लिक कर रही हूं देखो टर्न कर मूव कर रहा है टर्न कर रहा है मूव कर रहा है टर्न कर रहा है ठीक है हमें ये पोजीशन चाहिए इसकी जिस तरह से ये सर्किल बना सके मतलब एक सर्किल में ये टर्न करे मूव करे टर्न करे और मूव करे ठीक है इतना हमने कर लिया अब हम चाह रहे हैं कि जिस भी डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है जिस भी स्टेप पे ये मूव कर रहा है वहां पे ये एक लाइन ड्रॉ करता हुआ जाए ठीक है तो अगर हम चाह रहे हैं कि कुछ भी काम ये कर रहा है और वहां पे ये अपना एक स्टैंप छोड़ दे या फिर अपना एक लाइन ड्रॉ करता हुआ जाए तो उसके लिए हम जाएंगे पेन ब्लॉक के अंदर पेन ब्लॉक में ठीक है ये जो ग्रीन कलर में है ये पेन ब्लॉक में जाएंगे और यहाँ पे हमारा एक यहां पे हमारा एक ऑप्शन है पेन डाउन का ठीक है तो हमने किया ये पेन डाउन पे क्लिक यानी ये ड्रैग करके यहाँ पे लेके आए ठीक है ठीके? अब हम देखो अब मैं इस पे क्लिक कर रही हूं आप देखना चेंज देखो टर्न मूव टर्न ठीक है देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सर्किल से ड्रॉ करता हुआ जा रहा है सी अभी जब हमने पेन डाउन नहीं लगाया था तब सिर्फ मूव और टर्न कर रहा था अब जब हमने यहाँ पे ये यह पेन डाउन लगा दिया तो अब ये जहां जहां पर मूव कर रहा है वहां पे ये एक लाइन ड्रॉ करता हुआ जा रहा है ठीक है, हो गई है हमारी लाइन ड्रॉ लेकिन अभी ये लाइन किसने ड्रॉ हुई है ये सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर में ड्रॉ हुई है ठीक है अब हम चाह रहे हैं कि एक तो ये जो लाइन है ये अभी इसकी थिकनेस बिल्कुल कम है हम चाह रहे हैं कि एक तो इसकी थिकनेस तो ये जो है ये लाइन है इसकी थोड़ी सी थिक हो जाए ठीक है और हम चाह रहे हैं कि ये हर स्पॉट पे जैसे जैसे टर्न कर रहे हैं हर स्पॉट पे ये कलर छोड़ता हुआ जाए यानी ये कलर बनाता हुआ जाए ठीक है तो इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले तो हम इसकी थिकनेस को चेंज करेंगे ठीक है तो थिकनेस चेंज करने के लिए यहाँ पे एक हमारा ऑप्शन है देखो यहाँ पे है एक पेन साइज का ये लास्ट में सेट पेन साइज टू वन ठीक है तो जैसे ही मैंने इसको लिया सेट पेन साइज वन को यहाँ पे हमने किया ड्रैग ठीक है और मैं यहां से इसका वन को भी चेंज कर देती हूँ इस ब्लॉक में जाएंगे व्हाइट वाले में क्लिक करेंगे और देखो ये सिलेक्शन पॉइंट आ गया यहाँ पे और यहां पे मैंने सपोज किया इसको ले लिया फाइव ठीक है अब आपको अच्छे से समझ में आएगा और मैं इसको करती हूँ थोड़ा सा ऊपर अब देखो जैसे हम लोग इसको मूव uh, करा रहे हैं अब देखो इसकी थिकनेस बढ़ गई है देखो पहले वाले में और अब वाले में आपको डिफरेंस दिख रहा है है ना ये था थोड़ा सा पतला वाला सर्किल और ये बन गया हमारा थोड़ा सा मोटा है ना जैसे अगर हम लोग फाइव से फाइव से अपर कर देंगे फाइव को भी चेंज करके टेन ट्वेंटी जो भी लगाएंगे तो ये इसकी थिकनेस और ज्यादा बढ़ जाएगी और ज्यादा चेंज हो जाएगी ठीक है अब इसके बाद हम चाह रहे हैं कि अभी तो ये इसने क्या किया ब्लू सर्किल को ही ड्रॉ किया हम चाह रहे हैं कि ये हर स्पॉट पे अलग अलग कलर करे तो उसके लिए क्या करेगा हमें करना होगा चेंज पेन कलर क्योंकि ये जो पेन है ये जो ये मतलब एक तरह से ये पेन का मतलब है कि ये जो ड्रॉ कर रहा है ना जैसे हम लोग पेंसिल से ड्रॉ करते हैं कलरिंग यूज करते हैं तो ये इसका मतलब है कि ये पेन का यूज कर रहा है ठीक है तो यहां पे हम चेंज कर देंगे पेन कलर को और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन भी है चेंज पेन कलर बाय टेन ठीक है यहां पे मैं इसको टेन से सबसे पहले लेती हूं ट्वेंटी ठीक है मैंने यहां पे इसको ट्वेंटी लिया आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है बट मैं यहाँ पे आपको दो या तीन नंबर में चेंज करके दिखाऊंगी यहाँ पे ठीक है ट्वेंटी लिया हमने अब देखो अगर ये सर्किल को ड्रॉ कर रहा है तो कैसे कर रहा है सी देखिए। काफी सारे कलरफुल कलर्स आ गए हैं यहाँ पे सी इसको मैंने हटाया अब देखो फर्स्ट हमने ड्रॉ किया था ये वाला थिकनेस ऐसी आ रही थी इसको थिकनेस को हमने चेंज करके इस वाले में लेके आए अब हम चाह रहे हैं कि यहां पे ये यह कलरफुल क्योंकि ये इसलिए हुआ हर स्पॉट पे कलर कैसे चेंज हुआ क्योंकि हमने यहां पे इसका कलर चेंज करा चेंज पैन कलर बाय 20 कि पहले ये मूव करेगा डन करेगा फिर पेन डाउन यानी एक लाइन ड्रॉ करेगा फिर उसका साइज उसने डिफाइन किया कि साइज साइज कितने size का होगी वो वो लाइन फिर उसके बाद उसने कलर किया फिर उसके बाद ये मूव पे फिर जाएगा फिर ये कलर चेंज करता जाएगा ठीक है अब हमने यहाँ पे ट्वेंटी लिया था ना ठीक है अभी मैं यहाँ पे आपको ये फिफ्टी करके दिखाती हूँ थोड़ा सा हमने इसको और इंक्रीज किया तो अब देखना कि अब ये किस तरह से सर्किल ड्रॉ करता है चेंज ऑब्जर्व करना यहाँ पे मैंने यहाँ पे ग्रीन फ्लैग पे क्लिक किया देखो इसमें और इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा है हाँ ना अब मैं एक बार और आपको इसको और चेंज करके दिखाती हूँ इसको मैंने सपोज किया यहां पे ले लिया हंड्रेड ठीक है अब फिर हम इसको करते हैं यहाँ पे ड्रॉ देखो ये देखो अब देखो इन दोनों में आपको तीनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है यहाँ पे थोड़े से कम कलर्स यहाँ पे थोड़े से ज्यादा कलर्स हो गए यहाँ पे के दो कलर में ही आ गया तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है कि यहाँ पे ये जो हम इसके पेन कलर को ले रहे हैं ना इसकी वजह से हो रहा है ठीक है तो आज हमने क्या किया स्प्राइट को मूव कराया और एक कलरफुल सर्किल सा ड्रॉ किया कैसे किया सबसे पहले हमने वेन क्लिक लिया बिकॉज इसके इसके बिना तो हमारा वर्क परफॉर्म नहीं होगा उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा मूव कराया और टर्न कराया क्योंकि हमें एक सर्किल ड्रॉ करना था ठीक है इसके लिए हमने ये कर दिया अब पेन डाउन लगाया क्यों क्योंकि हम चाहते हैं कि जहां जहां ये मूव करता जाए वहां वहां ये एक लाइन को ड्रॉ करता जाए उसके बाद हमने यहाँ पे साइज उसका चेंज कर दिया उस लाइन का और फिर हमने कलर को चेंज कर दिया ठीक है तो इस तरह से हम यहाँ पे कलरफुल सर्किल बना सकते हैं ठीक है तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि किस तरह से स्प्राइट को हम कलरफुल सर्किल में मूव करा सकते हैं थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे